नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टॉक के इस एडिशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस टॉपर स्टॉक सेशन का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि उद्देश्य ये होता है कि हम किसी टॉपर के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी और उनकी प्लानिंग जो थी एग्जाम के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आपको एक इनपुट मिल सके कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देंगे। तो इस कड़ी में आज मेरे साथ हैं श्रेयस श्रीवास्तव। श्रेयस ने इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में गेट में ऑल इंडिया रैंक 11 एक्वायर की है इस साल, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनकी। 11th रैंक है ऑल इंडिया रैंक इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर में। लेकिन श्रेयस का जो बीटेक है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, और इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में भी बहुत अच्छी रैंक स्कोर की है, दैट इज 119। ये अभी श्री गोविंद राम शेख सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से बीटेक कर रहे हैं। ये सारा अचीवमेंट इनका फाइनल ईयर में है, अभी ये फाइनल ईयर में ही 11th रैंक इंस्ट्रूमेंटेशन में और 119th रैंक इलेक्ट्रिकल में ला चुके हैं। इन्होंने मेडिजी का 1 ईयर क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया था और QRC क्विक रिविजन कोर्स और CTQ ज्वाइन किया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरह से श्रेयस की जर्नी रही। तो सबसे पहले तो श्रेयस, आपको इस बड़े अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके पूरे परिवार को इतने बड़े अचीवमेंट। थैंक यू सो मच सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन का इरादा कब बना, कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करने का इरादा मन में आया? सर जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं सर्च करता रहता था। मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा था, क्योंकि अच्छा। फैमिली में सब गवर्नमेंट जॉब में ही है। तो फिर जब मैंने थोड़ा सर्च, मैंने इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच ली थी वो अपनी मतलब इंटरेस्ट के कारण ली थी। अच्छा। तो मैंने पहले सोचा कि इंजीनियरिंग सर्विस बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो मैंने पहले इंजीनियरिंग सर्विस का मन बनाया, और वो भी रेलवेज में ही, मेरे पापा भी रेलवेज में ही है। तो मैंने सबसे पहले इंदौर में मैं था मेरा कॉलेज, तो मैंने वहाँ पे मेडिसी सेंटर जो है, मैंने वहाँ 2019 में अक्टूबर में NST दिया था। अच्छा। तो उसमें मेरी 50% स्कॉलरशिप आई थी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। मीडजी का एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, तो अगर उस टेस्ट में आप अपीयर करते हैं और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मीडजी की जो फीस होती है उसमें कंसेशन मिलता है, और श्रेयस को 50% का कंसेशन मिला हुआ है। दैट्स वंडरफुल अचीवमेंट। इसका मतलब आप शुरू से ही बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं पढ़ने वाले। सर तो वही सेकेंड ईयर में मुझे 50% मिला, तो मैं भी काफी मोटिवेट हुआ। फिर मैंने, मुझे याद है 2025 में मैंने मेडिसी ज्वाइन करी। अच्छा। और स्टार्टिंग 2-3 वीक्स क्लास लगी, और फिर वही लॉकडाउन हो गया, और फिर ऑनलाइन से मैंने पूरी फिर अपनी प्रिपरेशन चालू करी। और मुझे याद है कि 2020 में जुलाई के राउंड आया था कि थर्ड ईयर में गेट एलिजिबल है। तो मैं मेडिसी के ऑनलाइन वीडियो से अपना सब्जेक्ट सब कवर कर रहा था। मैं अप्रोक्सीमेटली रोज 4 आवर्स के अराउंड लेक्चर्स देख लेता था, और मैं जनरली 4 to 5 डेज लगातार देखता था। फिर एक दिन मैं निकाल के रिवीजन करता था। अच्छा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। मतलब जनरली लोग क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट पूरे ही फ्लो में करने लगते हैं, बीच में कुछ क्वेश्चन रिवाइज नहीं करते हैं। पर मैं 4-5 दिन वीडियो देखता था, और बचे 1-2 डेज में उसमें फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और वो करता था रिवाइज। इस तरीके से मैंने थर्ड ईयर तक सिलेबस 75 मार्क्स के अराउंड कर लिया था। अच्छा। और मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से गेट दिया था, तो मेरी 530 रैंक आई थी थर्ड ईयर में। यस सर। तो मैं उससे भी बहुत मोटिवेट हुआ। उसके बाद मैं सोचा कि मेरा टारगेट इंजीनियरिंग सर्विस था, पर क्योंकि रेलवे उससे चला गया था, तो मैं फिर सोचने लगा कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस की जगह सिविल सर्विस टारगेट करता हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने रिमेनिंग सिलेबस मतलब फिनिश करने के बाद मैंने थोड़ा सा फिर सिविल सर्विस की GS वगैरह स्टार्ट करा पढ़ना, और फिर मैंने फाइनल ईयर में फिर से गेट दिया, तो IN में और इलेक्ट्रिकल में आप 11th रैंक और 119th रैंक। तो मैं यह एक चीज जानना चाहता हूँ, आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो कॉलेज का भी आपका सिलेबस होता होगा, और इधर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे जो कि प्योरली टेक्निकल होता, और आपका इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज को लेके, आपने बताया कि आप जनरल स्टडीज वगैरह में भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इतना सब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, हम लोगों से यही क्वेश्चन रहता है कि सर कॉलेज में पढ़ते वक्त समय नहीं मिल रहा, और आपने तो इतनी अच्छी रैंक सिक्योर किया है, तो किस तरह से टाइम मैनेज किया? सर वैसे मैं इलेक्ट्रिकली तैयार कर रहा था अपना, हमेशा मेन सब्जेक्ट ऑप्शनल भी मैं यही सोचा हूँ रखने का, तो मेरी अच्छा। ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल है, तो मुझे कॉलेज में एग्जाम्स में तो प्रॉब्लम नहीं जाता है, क्योंकि एग्जाम्स भी इलेक्ट्रिकल के ही पेपर सब्जेक्ट के होते हैं, तो उधर तो प्रॉब्लम मुझे नहीं फेस होता है। और थोड़ा ऑनलाइन रहता है, तो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा टाइम कम, मतलब जो इन्वेस्ट करना पड़ता है कॉलेज में, वो ऑनलाइन में थोड़ा कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। आप ये जो प्रिपरेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, ये कॉलेज का जो पेपर है उसमें भी आपको सपोर्ट कर रही है? यस सर, बिल्कुल सर। जनरली लोग और सिविल सर्विस में कुछ और ऑप्शन ले लेते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती है, पर मैं तो इलेक्ट्रिकली गेट में दिया हूँ और उसके बाद आगे भी कर रहा हूँ, तो अच्छा मुझे प्लस पॉइंट ही रहता है, क्योंकि मुझे सेमेस्टर एग्जाम्स में कभी प्रॉब्लम नहीं जाती। अच्छा 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 यस सर। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए कैसे समय निकाल? अच्छा, आपने कहा कि 4-5 दिन आप पढ़ाई करते हैं और उसके और बाद बीच एक दो में दिन प्रैक्टिस करते हैं, यस सर, ठीक आपकी थ्योरी बुक्स ही जो रहती हैं उनके सॉल्व एग्जाम्पल, जनरली मैं जनरली सजेस्ट करूंगा कि थ्योरी बुक सबके पास रहती है तो कोई देखता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जनरली फ्रेंड से पूछता हूँ तो कोई थ्योरी बुक की बात ही नहीं करता कभी, सबको अच्छा गेट के प्रीवियस ईयर ही दिखते हैं। तो मैं हाँ सबको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी लेक्चर्स देखते हो तो साथ में सॉल्व एग्जाम्पल भी देखते रहा करें, क्योंकि अच्छा थ्योरी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल जिसमें से बहुत अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल हैं सारे, तो जनरली किसी का फोकस नहीं रहता, कोई जब बोलता भी नहीं है कि हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स करें। बिल्कुल, थ्योरी बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, मैं उसके पीछे की स्ट्रेटजी आपको बताऊं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि एक्चुअली उन क्वेश्चंस के पीछे पर्पज ये होता है कि जो भी कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट के बाद वो क्वेश्चन है, तो उस पूरे कंसेप्ट को उस क्वेश्चन में रिवाइज किया जा सके, जो टारगेट रहता है। तो अगर जैसा कि श्रेयस बता रहे हैं, आप थ्योरी बुक के क्वेश्चन को करेंगे, तो कम से कम वो कंसेप्ट आपका पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा और यस उसको सर। आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये और एक सर अलग। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, म्यूट हो गए आप। कि जनरली लोग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ट्राई करते रहते हैं, पर एक सब्जेक्टिव अगर आप अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो उसमें कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसी में उससे ही बन जाएंगे, एक बिल्कुल बड़े बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल 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 श्रेयस, ये तो टेक्निकल बातें रही प्रिपरेशन की कि किस तरह से आपने मैनेज किया और किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी क्या हॉबी है? क्योंकि कई बार होता है कि इस बड़ी प्रिपरेशन के दौरान, 1 साल 2 साल की प्रिपरेशन के दौरान डिमोटिवेशन होता है, प्रेशर बनता है, तो उस प्रेशर मैनेजमेंट में हॉबीज बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। तो आप अपने को प्रेशर मैनेजमेंट के लिए या जो भी आपके पास स्पेयर टाइम होता है उसमें क्या करना पसंद करते हैं? सर मेरा मतलब मैं बहुत टाइम स्कूल के टाइम से अराउंड मैंने जिम वगैरह करना चालू कर दिया था, तो अच्छा मेरी वो हाँ तो वो मेरी फिर आदत में ही आ गया, तो मैं जनरली शाम को अपना टाइम मतलब जिम में वर्कआउट में इन्वेस्ट करते ही हूँ। कितना टाइम तो इन्वेस्ट करते हैं लगभग? जनरली मतलब आप स्टार्टिंग में तो लोग कम करते हैं, पर मैं जैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया तो मैं 1.5 आवर्स अप्रोक्स तो मैं जिम में इन्वेस्ट कर ही देता हूँ, और फिर जिम वगैरह की डाइट वगैरह लेता हूँ। तो मतलब मेरा जो रहता है मेन, मैं जैसा रहता हूँ कि मैं बॉडी बनाता हूँ और मैं पढ़ता हूँ और मैं फ्रेंड से अपने बातें करता हूँ और मैं एक हेल्दी माइंड ना हेल्दी बॉडी में ही हो सकता यस है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप जब हेल्दी हैं और डेली वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप मेंटली फ्री रहेंगे, बहुत ज्यादा अननेसेसरी के थॉट्स नहीं आएंगे आपके दिमाग यस सर। सर जो भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या हॉबी, जरूरी नहीं फिजिकल हो, पर आप कोई भी हॉबी साथ में जरूर रखें, क्योंकि जनरली प्रिपरेशन कोई भी एग्जाम हो, गेट हो, ESE CSE, ये सब 2 इयर्स 3 इयर्स 1 ईयर मतलब इतना टाइम तो लेते ही, ईयर्स में लेते हैं मतलब। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल आप साथ में कोई हॉबी नहीं रखोगे जिसमें आप 1 आवर 2 आवर इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो फिर जर्नी मतलब इतनी लंबी है कि वो बोरिंग लगने लगेगी, आप कुछ टाइम में फिर छोड़ दोगे, मतलब मेरे हिसाब से तो बोर होके। पर अगर आप एक साथ में एक और एक्टिविटी रखोगे, 24 आवर्स हैं, 10 आवर्स पढ़ने में भी दे दो, 8 आवर्स सोने में भी दे दो,
तो भी 6 आवर्स बचते ही है, उसमें 2 आवर्स और कहीं कुछ मतलब करना चाहिए, साथ में एक साइड हॉबी जरूर रखनी चाहिए। और 10 आवर्स की स्टडी बहुत होती है, 8 to 10 आवर्स बहुत होती स्टडी है। बहुत होती है किसी भी बड़े एग्जाम के लिए, 8 to 10 आवर्स की स्टडी बहुत। यस सर, 8 to 10 आवर्स बहुत ही कम ही लोग करते हैं। मैं सही बात तो ये भी है, वो थोड़ा बोलने में इजी है, पर वो 10 आवर्स भी बहुत रेयर लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो करते हैं वो श्रेयस की तरह ऑल इंडिया रैंक 11 लेकर के आते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। श्रेयस, कोई ऐसा पॉइंट आप सजेस्ट करना चाहें जो आपको लगता है कि यूनिक है, क्रूशियल है और यंग एस्पिरेंट्स को मदद करेगा उनकी प्रोफेशन में? सर मैं जनरली, जैसे सबका अपना अपना व्यू होगा इस बात में, पर मेरा व्यू है कि थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में थ्योरी आप बहुत अच्छे करो। जनरली लोग न्यूमेरिकल्स के ही पीछे रहते हैं या क्वेश्चंस के पीछे, पर मैं ऐसा मतलब मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप थ्योरी बहुत अच्छे से करो, आप क्वेश्चंस बस हार्डली 10-20 क्वेश्चंस करो हर टॉपिक के, अच्छे क्वेश्चंस करो, मतलब सब्जेक्टिव करो। मैं तो कह रहा हूँ जैसे CTQ में अच्छे क्वेश्चंस रहते, सब्जेक्टिव रहते हैं। अब ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई करो, जैसे 1 लाइन या 2 लाइन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होते कभी, वो तो प्रैक्टिस वाली बात रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं थ्योरी बहुत डिटेल पढ़ता हूँ, मतलब जितना मेडिसिन में पढ़ाते हैं मैं उतना ही पढ़ता हूँ, पर मैं उसको बहुत सिंसियरली पढ़ता हूँ। और तो मैं क्या फाइव थ्योरी सिक्स पढ़ने के बार लिए आपने कोई टेक्स्ट बुक वगैरह भी यूज की है? नहीं सर, आपके पास नोट्स ही मैं कम से कम 6-7 times तो रिवाइज कर ही लेता हूँ। अच्छा, मतलब जनरली लोग 2-3 times ही करते होंगे, 4 times, मैं तो लेकिन रिवीजन ज्यादा करता हूँ, थ्योरी ज्यादा पढ़ता हूँ। क्वेश्चंस तो मेरे लिए बस ऐसा रहता है कि फॉर्मूला क्लियर हो जाए, मैं बस उतने ही क्वेश्चंस करता हूँ। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, एक कहावत भी है कि बार बार प्रयास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है, और आप लोग तो यस खैर ऑलरेडी इंटेलिजेंट है। बहुत अच्छा लगा श्रेयस आपसे बातचीत करके, और मुझे उम्मीद है कि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं वो श्रेयस की इस जर्नी से कुछ सीखेंगे। श्रेयस ने कुछ नई बातें भी कही है कि ये लंबी प्रिपरेशन है, और इस प्रिपरेशन के सर, दौरान अगर आप कोई हॉबी रखेंगे, जैसे इनकी हॉबी है जिम जाना, और वो आपको इनडायरेक्टली असिस्ट भी कर रही है, क्योंकि आप फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, तभी जा करके प्रिपरेशन कर पाएंगे। वो सर क्या मूड फ्रेश होगा आपका, तो आप वापस भी जब पढ़ने आओगे, जैसे एक दिन बहुत बड़ा होता है जब आप उठते हो, बिल्कुल तो अगर बिल्कुल आप बिल्कुल जैसे कुछ हॉबी साइड में रखोगे, तो आप फिर वापस जब पढ़ने आओगे तो आप उतने ही एनर्जी से आओगे। और अगर आप पूरे दिन ऐसी बोरिंग बोरिंग बस पढ़ रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो फिर आप मतलब वो एनर्जी लेवल भी नहीं रहता है जनरली भी। मैंने मतलब ये जैसे मैं कई बार जैसे छोड़ दिया कि अभी नहीं करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो दिन में वो एनर्जी नहीं रहती है जो एक नॉर्मल डे में रहती थी मेरे। तो मैं इसलिए सजेस्ट यही करूंगा कि 8 to 10 hours भी कभी पढ़ने में क्रॉस मत करो, क्योंकि 10 hours से ज्यादा पढ़ो तो फिर माइंड बॉडी बहुत थक जाती है। मतलब एट बिल्कुल आवर्स बिल्कुल, मुझे सबसे सही स्पॉट लगता है। हाँ कंटिन्यूअसली, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे आपकी, ऐसा ना हो कि बस आप एक दिन पढ़ रहे हैं, 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा हाँ ना बस करें। तो डेली अगर 8 hours आप पढ़ रहे हैं तो बहुत है, 8 hours की बहुत स्टडी है। यस किसी भी बड़े एग्जाम को क्रैक करने के सर, लिए सफिशियंट है। श्रेयस, तो इस रैंक का आप क्या यूटिलाइजेशन करने का इरादा है? मतलब आप एमटेक वगैरह में एडमिशन लेंगे या फिर अपने सिविल सर्विसेज के लक्ष्य की तरफ ही फोकस्ड रहेंगे? ये जस्ट एक जर्नी का पार्ट था। यस सर, ये बस जर्नी का पार्ट था। मैं सिविल सर्विस की तरफ ही रहूंगा। मैं ट्राई करता हूँ, अभी GS मेरा सिलेबस काफी बचा है, उसको कवर करके मैं फिर सिविल सर्विस में ही अटेम्प्ट अपने ट्राई करूंगा। अच्छा, चलिए, आपके आने वाली जर्नी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपको एक बार अगेन बधाई कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट पाया है, और आप इतने बढ़िया वेल प्लान्ड व्यक्ति हैं कि फाइनल ईयर के साथ इतना अच्छा अचीवमेंट आपने किया है, तो निश्चित तौर पर 1 साल 2 साल में आप सिविल सर्विसेज का भी टारगेट अचीव कर लेंगे, थैंक यू और सर। फिर वहां पर नेक्स्ट IAS के टॉपर स्टॉक में आपसे दोबारा बातचीत की जाएगी और आपकी जर्नी के बारे में और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। थैंक इसी यू सर। शुभकामना के साथ आज के इस सेशन को मैं श्रेयस के साथ यहीं पर कंक्लूड करता हूं, और श्रेयस की इस जर्नी से जो भी यंग एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको जो भी इनपुट पॉइंट्स लगे हों उसको लेकर के अपनी प्लानिंग में इंप्लीमेंट करिए। जैसे श्रेयस ने बताया कि आप कंसेप्ट बिल्डिंग पर अगर फोकस रखेंगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए इजी होगा। जैसे इन्होंने एक और क्रूशियल पॉइंट बताया कि आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अगर उनको करते हैं तो कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप में इंक्लूड हो जाते हैं। तो कंसेप्ट बिल्डिंग पर फोकस रखिए, क्योंकि कंसेप्ट हमेशा आपके पास होगा तो वो
उसकी मदद से आप बहुत तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस की भी रिक्वायरमेंट होती है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है ताकि आप निगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकें। सो आज के इस सफर को यहीं पर रोकते हैं और फिर मैं दोबारा किसी अन्य टॉपर के साथ टॉपर स्टॉक में आपके साथ मिलूंगा और उनकी जर्नी को शेयर करेंगे, उनकी जर्नी के डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी लोगों को मदद मिल सके। थैंक यू श्रेयस फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।